तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, एक तरफ जब अपने सुपुत्र को लेकर मुकेश और नीता अंबानी पहुंचे थे मंच पर, और उससे जो दूसरी तस्वीर, अलग तस्वीर, यहां पर आप देखिए फिल्म जगत के सभी सितारे वहां पर एकत्रित हो गए। और ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ नजर आईं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा बच्चन परिवार नजर आया एक साथ। और कई बड़ी फिल्मी हस्तियों की अगर बात करें तो दुनिया भर के कई दिग्गज पहुंचे थे। जियानी मौके पर पहुंचे थे, जहां फीफा के चेयरमैन हैं जियानी, और जॉन सीना जो शेरवानी में नजर आए, पगड़ी बांधे नजर आए। बोरिस जॉनसन पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पहुंचे थे, टोनी ब्लेयर पहुंचे थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। और इसके अलावा कई उद्योगपति भी मौके पर, इस शादी के शुभ मुहूर्त पर, शुभ मौके पर पहुंचे थे। उद्योगपति गौतम अडानी इस शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। योग गुरु और पतंजलि के प्रमुख कर्ता धर्ता स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ वहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। और इसके अलावा कुछ और खास मेहमान, जिसमें बंगाल की ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, और लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, वे पहुंचे थे मौके पर। और कैटरीना और विकी कौशल की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया वहां, जो कि शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। और छह और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, पूरा बच्चन परिवार वहां पर साथ नजर आया। शाहरुख खान पहुंचे थे, सलमान खान, संजय दत्त झूमते नाचते नजर आए पूरे उल्लास के साथ, और तो और फलाइवा रजनीकांत भी इस शादी के शुभ मौके पर पहुंचे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी भी वहां नजर आई, जो हाल ही में एक बड़े फंक्शन पर और नजर आए थे। और ये शादी का प्रमुख जो फंक्शन है, इसकी कुछ और छह तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए रणवीर सिंह का जोशीला अंदाज देखने को मिला, और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी वहां पर मस्ती करते नजर आए, और तो और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी डांस किया, संजू बाबा जमकर झूमते नाचते नजर आए, और देखिए रजनीकांत भी थिरकते झूमते नजर आए। जॉन सीना वहां पर पहुंचे थे और पगड़ी पहनकर पूरे भारतीय रंग में रंगे नजर आए जॉन सीना, और ये जॉन सीना का देसी अंदाज देखकर हर कोई बस एक ही बात कह रहा है, नेवर गिव अप। तो ये उनका टैगलाइन है जो कि वो अक्सर अपनी फाइट्स में यूज करते हैं। उनकी कई वीडियोस, कई गाने सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अभिनय भी कर चुके हैं, नजर आते हैं। और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में पूरी धूमधाम से निभाई गई, और इस भव्य शादी का गवाह बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मेहमान पहुंचे थे। बारात में शामिल मेहमानों ने जमकर डांस किया, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े और नामचीन कलाकार झूमते नजर आए, अनिल कपूर और वरुण धवन एक साथ झूमते नजर आए, दोनों राम लखन जमकर डांस किया। वहां मौजूद ज्यादातर बाराती पगड़ी और शेरवानी में दिखाई दिए। जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर मशहूर ड्रमर शिवमणि भी वहां अपना जादू बिखेरते दिखे। अनंत राधिका की शादी मुंबई के जिस जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई, देश की सबसे बड़ी शादी समारोह के लिए इस जियो वर्ल्ड सेंटर को वाराणसी की तर्ज पर सजाया गया था। अंबानी और राधिका की शादी को देखकर ऐसा लगा जैसे मुंबई में ही बनारस उतर आया। पूरे के पूरे जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस की तर्ज पर सजाया गया था।
फिर चाहे वो वाराणसी के घाट हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर। अनंत और राधिका की शादी के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इस भव्य शादी के लिए सारी तैयारियां भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए की गई। बताया गया कि ये सब इसीलिए किया गया है ताकि शादी समारोह में आए मेहमानों को भारतीय संस्कृति और खास तौर पर काशी के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। इस शादी समारोह की थीम का पूरा ताना बाना भारतीय सभ्यता के इर्द गिर्द बुना दिखा, ताकि विदेशों से आए मेहमानों को एक अलग और भव्य एहसास दिलाया जा सके। इसके लिए चाहे फूलों की सजावट हो या फिर मंडप की बनावट, सब कुछ काशी से मिलता जुलता नजर आया। कोशिश की गई कि मुंबई में हो रहे इस शादी समारोह में आए मेहमानों को ऐसा लगे जैसे वो काशी में बैठे हों। और इस भव्य शादी समारोह के दौरान बहुत सारी बातों का ख्याल रखा गया। खास ख्याल रखा गया कि यहाँ पर जो मेहमान पहुंचे वो सभी भारतीय संस्कृति के परिधान को धारण किए हुए हों, और खुद अंबानी परिवार के सदस्य भी पारंपरिक पोशाकों में नजर आए। एक नजर डालते हैं। देश विदेश से आए मेहमानों ने भी इस भारतीय ड्रेस कोड का पालन किया। मेजबानों और मेहमानों दोनों की पोशाकों में भारत की सतरंगी संस्कृति की झलक नजर आई। रंग बिरंगी शेरवानी और चमचमाते लहंगे से सजे तमाम मेहमान बेहद खूबसूरत नजर आए। विदेशी मेहमानों ने भी शेरवानी और लहंगों में अनंत और राधिका की शादी में अपना जलवा बिखेरा। कई जानी मानी विदेशी हस्तियां भारतीय पोशाकों में इस शादी समारोह का हिस्सा बनने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। मेहमानों के अलावा मेजबान यानी परिवार के सदस्यों ने भी इस भारतीय ड्रेस कोड को बड़े शान से दुनिया के सामने रखा। कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंची नीता अंबानी ने वहां से बनारसी साड़ियां खरीदी थीं। इसके अलावा मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी की शेरवानी की भी जबरदस्त चर्चा रही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अनंत अंबानी की गोल्डन रंग की शेरवानी ने खींचा। इस दौरान राधिका मर्चेंट भी गुलाबी रंग के लहंगे में नजर आईं। और भारतीय पोशाक में सज धज कर अनंत और राधिका की शादी समारोह में तमाम मेहमानों का स्वागत हुआ, और स्वागत कानों में मिश्री घोलने वाले भारतीय संगीत से हुआ। सितार और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के माहौल को चार चांद लगा दिए। देश की सबसे बड़ी शादी समारोह में शिरकत करने आए मेहमानों का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत से हुआ। मुख्य दरवाजे पर बजते सितार और शहनाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा राजस्थानी लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने भी वहां अपना जलवा बिखेरा। इस दौरान अनंत और राधिका के शादी समारोह में आए मेहमानों को कविता सेठ ने अपने सूफी संगीत से मंत्र में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक्ट्रेस दिशा पाटनी, शाहरुख खान के बेटे आर्यन और बेटी सुहाना और कृति सरन अनंत की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची। इस दौरान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आई। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ पहुंचे तो माधुरी दीक्षित भी अपने पति और बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंची। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा पीले रंग के खूबसूरत लहंगे में दिखाई दी। फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने बारात निकलने के दौरान जमकर डांस किया। और इस भव्य शादी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें पूर्व क्रिकेटर और कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में पहुंचे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शादी में पहुंची थी और बेहद खूबसूरत आउटफिट में वे नजर आईं। और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी, महिला जयवर्धने और दीपिका पादुकोण इस भव्य शादी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, और जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी का अंदाज है, उन्होंने कपड़े भी उसी तरह पहने हुए थे। और ये देखिए तीन और तस्वीरें शादी में, यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान भी पहुंचे, और इस भव्य शादी में शाहरुख खान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। वहीं रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सलमान खान देखिए ब्लैक आउटफिट में हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे हैं। शाहरुख खान अपना जो बॉलीवुड किंग वाला अंदाज है वो भी कैरी कर रहे थे, और रणबीर हमेशा की तरह स्टाइलिश शेरवानी में नजर आए। पत्नी आलिया के साथ बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी वहाँ नजर आई, और बहन अर्पिता के साथ सलमान खान पहुंचे थे इस शादी में हिस्सा लेने के लिए।